थाना क्षेत्र के मंगल तालाब परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मॉर्निंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार से आ रही फोर्ड कार ने कुचल दिया। वहीं दुर्घटना के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां घायल युवक को किसी तरह कार के नीचे से निकाला गया। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार पर सवार चालक और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने व्यक्ति की पहचान इलाके के ही रहने वाले गोविंद कनोडिया के रूप में किया है। दुर्घटना के बाद मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों में पुलिस के प्रति खासा आक्रोश है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मंगल तालाब पर कार और बाइक सीखने वाले लोगों पर लगाम लगाने की मांग की है। स्वर्णा के साथ तृप्ति रॉय की रिपोर्ट। क्या मामला? अरे मामला इनका है कि वो ड्राइवर कोई गाड़ी लेकर के यहाँ सीख रहा था, ये मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उनको मार दिया, धक्का मार दिया। अभी कहाँ ले जा रहे हैं? ले जा रहा है हॉस्पिटल में, ले जा रहा है, इनका पैर टूटा हुआ हॉस्पिटल में ले जा रहा है। अच्छा, एक गाड़ी वाला जो है पकड़ा गया है? गाड़ी वाला दोनों पकड़ाया, दो ड्राइवर है, दोनों पकड़ाया हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कन्हैया तिवारी, शाही चौक थाना। भीड़ लगी सुबह के टाइम में, हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और यहाँ पे लोग मोटरसाइकिल और कार सीखने के लिए आते हैं और तेज चलाते हैं। थोड़ा देर पहले हम ही बचे थे, नहीं तो मेरे मार देता। और उसके आगे बढ़ने पर गोविंद कानूडिया जी को ऐसा मारा है कि उनका दोनों पैर डैमेज हो गया है। तो सब प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि सुबह में कम से कम गाड़ी सीखने वाले और जो तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं लड़के लोग, उस पर तुरंत अविलंब कार्रवाई करें, बंद करें, बंद कीजिए। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज प्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।